कैसा हो रहा है? टेस्ट करके बताओ जल्दी कैसा हो रहा है। अच्छा सही में? चलो आज तो की तारीफ। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? इधर तो बहुत ठंडी हो रही है और धूप भी नहीं आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीता भट्ट, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी से। सौम्या बोल रही थी कि मम्मा आज मुझे ब्लॉग बनाने दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए अभी सौम्या ने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ ना बहुत ठंडी हो रही है, जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है तब से धूप तो हमने देखी नहीं है और बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ। पता नहीं धूप ही नहीं आ रही, पिछले बार तो ऐसा नहीं था मौसम, धूप आ जाती थी 10-11 बजे से और इस बार ना धूप ही नहीं आ रही है बिल्कुल। और अभी सौम्या बैठी है यहाँ पे बिस्तर में कंबल ओढ़ लेकिन के। फ्रेंड, ये रिकॉर्ड वाला पापे मेरे पापा लाई थी। ये पापा बहुत अच्छी है, सब कॉम्प्लेक्स से लाई थी। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी देर कला लेती हूँ सौम्या को पढ़ाई और फिर मिलती हूँ आपको। उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको अपना रूम कैसा हो रहा है। देखिए जहाँ तहाँ मैंने कपड़े कपड़े टंग रखे हैं क्योंकि ना कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, और रूम में मैंने लगा रखा है हीटर, तो इस रूम में थोड़ी गर्मी रहती है ना इसलिए कपड़े थोड़े सूख जाते हैं, इसी कारण चारों ओर कपड़े फैले हुए हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, करा लेती हूँ थोड़ा सौम्या को पढ़ाई। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो अभी मैं बना रही हूँ चावल की खीर, दूध मेरा उबल गया है तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स दूध ना यहाँ पे उबल गया है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ चावल। तो फ्रेंड्स खीर तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है और अब समझ नहीं आ रहा कि सब्जी क्या बनाऊँ, तो अब मैं सोचती हूँ कुछ बनाने का। तो फ्रेंड्स खीर यहाँ पे बन रही है और जब तक खीर बनेगी ना तब तक मैं कर लेती हूँ प्लम केक बनाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ अभी प्लम केक, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्लम केक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस ले लिया है, अब मैं इसमें सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। मैंने इसमें बादाम, काजू, किशमिश डाले हैं और टूटी फ्रूटी भी ऐड की है। हमें इन सारे ड्राई फ्रूटों को 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे भीगने के लिए रख देंगे। तो 1 से 2 घंटे के बाद मैं बनाऊंगी केक। फ्रेंड्स इसमें ना मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स जो भी मेरे पास थे, काजू, बादाम, किशमिश और ये टूटी फ्रूटी है, इसको मैंने ऑरेंज जूस में 1 से 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। तो अब ये अच्छे से भीग गए हैं तो चलिए अब बना लेते हैं प्लम केक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ कैरमेल। कैरमेल बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप चीनी और इसको हल्के हल्के से ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाता है। तो ये धीरे धीरे देखिए पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चीनी जब ऐसे अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमें ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक ही साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो ना ये गाढ़ा हो जाएगा और जम जाएगा, तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ये थोड़ा पतला फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है प्री होने के लिए। अब हम बना लेते हैं केक के लिए बैटर। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है दूध और इसी कप से मैं अब ले लूँगी रिफाइंड ऑयल और इसमें डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा। मैदा को फिर मैं अच्छे से इसमें छान लूँगी। तो देखिए मैंने इसमें ले लिया है 1 कप मैदा। अभी जो मैंने दालचीनी और इलायची लौंग ली है इसको मैंने कूट के पाउडर बना लिया है। आप इसका पाउडर डालेंगे तो ना इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और ये जो मैंने कैरमेल बनाया था इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये गाढ़ा है ना तो जो हमने ड्राई फ्रूट भिगाए थे जूस में उसको भी डाल। फ्रेंड्स हमारा बैटर अब रेडी है, तो अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब मैं इस पर
इस दोनों को अच्छे से छान लूँगी। तो अब हमें इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि इसके जो बबल्स होते हैं ना वो निकल जाएंगे। तो जल्दी से मिक्स करके इसको मैं कर लूँगी केक टिन में ट्रांसफ़र। तो देखिए मैंने कर लिया है केक टिन में ट्रांसफ़र। अब मैं इसको रख लूँगी अपनी कढ़ाई में, जो कि मैंने 10 मिनट पहले ही रख ली थी प्री हीट होने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको 30 से 40 मिनट के बाद चेक करूँगी। फ्रेंड्स मैंने केक रख दिया है, अब 30 से 40 मिनट बाद हम केक को चेक करेंगे क्योंकि आजकल ठंडियों का मौसम है ना, तो 40 से 50 मिनट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे खीर भी बन के हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको रख लूँगी साइड और एक बार कर लेते हैं केक चेक। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छे से फूला है ना, अच्छा केक बना है। तो एक बार कर लेते हैं टूथपिक से चेक। अभी नहीं पका है, अभी कच्चा है थोड़ा, बीच में से देखिए टूथपिक में लग रहा है ना बैटर। तो मैं दोबारा से इसको ढक देती हूँ, अभी इसमें 10 मिनट और लगेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं और टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए केक बन के हो गया है बिल्कुल परफेक्ट रेडी। तो फ्रेंड्स केक भी बन के हो गया है रेडी और आज तो आ गए हैं मजे बिल्कुल, क्योंकि देखिए मिस्टर जी यहाँ पे लाए हैं मोमो और मैं अभी प्लेट में लगा रही हूँ। तो अब हमारी चलेगी मोमो पार्टी। तो फ्रेंड्स बन गया है खाना, खा रहे हैं आप सब लोग। दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या बनाया है। यह है खीर की भदेली और आलू मटर की सब्जी है। यहाँ पे खा रही है सौम्या, जो कि खा रही है खीर के साथ। सब्जी क्यों नहीं खा रहे हो, तभी तो ऐसे हाल हो रहे हैं, देखो इतनी कमज़ोर हो रही है, सब्जी नहीं खाती है। अपनी कटोरी भी मेरे पे खिसका दी और यहाँ पे खा रहे हैं मिस्टर जी। तो अब मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे केक कटिंग करते समय। फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं केक कट। केक ना हल्का सा गर्म है, तो देखिए फिर भी अच्छे से कट हो जा रहा है केक। अभी अच्छे से सेट नहीं हो रखा है क्योंकि ठंडा होने के बाद ही केक अच्छे से सेट होता है ना। तो देखिए यहाँ पे निकल के आ गया है ये अच्छे से, और देखिए इसमें धुआं निकल रहा है अंदर से ना। तो अब हम कर लेते हैं केक को इंजॉय। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये, बहुत अच्छा केक बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है, किसमिस देखिए कितने जूसी जूसी लग रहे हैं ना, और मैंने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले थे, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। देखिए गरम गरम है अभी, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है और अब हम खा लेते हैं मीठा। मीठे में जो बनाया था प्लम केक, तो उसी को खाते हैं। और सौम्या ने यहाँ शुरू भी कर लिया है, देखो इतना खा लिया। तो फ्रेंड्स देखिए बनया है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे से फुला भी है, स्पंजी बन रखा है बिल्कुल। तो अब हम खा लेते हैं और देते हैं पतिदेव को भी कट करके, खुद से तो ये खाएंगे नहीं। खाना लिया बना रहा तो मैं घर वाली खाना। कैसा हो रहा है, टेस्ट करके बताओ जल्दी। कैसा हो रहा है, सही में। चलो आज तो की तारीफ। तो फ्रेंड्स मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कैसा बना है। तो फ्रेंड्स बहुत टेस्टी हो रहा है, तो आप लोग भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अब कर लेते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स पसंद आए या ना आए, चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं। बोलो ये रुको बोलो। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय फ्रेंड्स, हैव अ वाचिंग। ओके फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट, थैंक फॉर वाचिंग।